पलवल से नवनिर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव गौतम उनके साथ लोग यहां बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 34,160 वोटों से जीत दर्ज की है। किस तरह आप देख सकते हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है गौरव गौतम, तो यहां पर लोग अभी से बधाई देने के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार जो लोगों में उत्साह था वो पहले भी देखा गया था और उसके बाद अब जो उत्साह है वो दोगुना हो गया है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। गौरव जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको मैं बधाई देता हूँ इस जीत को लेकर। धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत आभार आपका। किस तरह देखते हैं ये जीत, किस पैमाने पर आपने देखी, किस तरह जनता का प्यार मिला? जीत पूजनीय जनता की है, जनता ने सीधा चुनाव लड़ा और इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया। मैं पूजनीय जनता का आपके चैनल के माध्यम से इस पलवल की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया और मैं उनकी हर बात पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पलवल को विकास की गति को तेज लेकर जाऊंगा। ये मैं आपको भरोसा आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। लगातार आवाज आ रही थी कि एक तरफ से कांग्रेस की सरकार जो एग्जिट पोल आए कि हरियाणा में बनने जा रही है, परंतु सब कुछ पलट गया, बाजी पलट गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुमत दिखते लेती हुई नजर आ रही है। किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि क्या किस तरह का माहौल लोगों में रहा होगा इस पूरी सरकार या बनाने को लेकर? भाजपा की सरकार पर हरियाणा के लोगों ने भरोसा जताया और तीसरी बार बनाया। मैं उनका पूर्जीनीय जनता का, पूरी हरियाणा की जनता का आभार आपके चैनल के माध्यम से करता रहना चाहता हूं और नायब सैनी सरकार तीसरी बार बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विकास, हरियाणा चहुमुखी विकास करेगा, पहले नंबर पर जाएगा पूरे देश में, भरोसा में। किस तरह देखते हैं, क्योंकि मोदी जी जब पलवल आए थे तो उन्होंने कहा था कि पलवल बिल्कुल हाईवे हब होगा, किस तरह देखते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपका ये होने वाला है, 5 साल आपके पास रहेंगे, प्राथमिकताएं कौन कौन सी रहने वाली हैं इस क्षेत्र को नया बनाने के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पलवल हाईवे हब होगा, कनेक्टिविटी के आधार पर हिंदुस्तान के पटल पर ये पलवल आपको अलग मिठाई देगा अगले 5 साल बाद। आपको भरोसा आपके चैनल के माध्यम से पूजनीय जनता को देना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि पलवल में चुनाव होने से पहले और मतगणना होने से पहले भय और डर की राजनीति फैलाई गई, तो क्या ये उसका अंत आप करेंगे, नई राजनीति शुरू करेंगे, किस तरह का माहौल इस पूरे कम्युनिटी में देंगे आप? सकारात्मक राजनीति करेंगे, देश की भावना से राजनीति नहीं करेंगे, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिन्होंने साथ दिया उनका भी आशीर्वाद, जिन्होंने नहीं दिया भाईचारे को साथ लेकर चलेंगे, ये भरोसा हम देते हैं। और पलवल में एकदम सकारात्मक राजनीति होगी, अच्छे भाव से होगी, विकास की होगी और पलवल को मजबूत करने के लिए होगी और पलवल के भविष्य के लिए होगी, युवाओं के भविष्य के लिए होगी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव गौतम और उन्होंने जो जीत दर्ज की है उस जीत के बाद तो अपनी जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय वह उस जनता को देना चाहते हैं, उस हर व्यक्ति को देना चाहते हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत से अपना साथ दिया, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और अब उन्हें फिर से भरोसा करके उन्हें चंडीगढ़ पहुंचाने का काम किया है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।